नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा आता है। और वो सवाल है दोस्तों कि अगर आपके हिंदूज में, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, कि अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैरिज है, वैलिड मैरिज है, एक लीगली जायज शादीशुदा जिंदगी में आप ऑलरेडी हैं और आप सेकेंड मैरिज कर लेते हैं तो उसके क्या रिपरकशंस हैं। बहुत से सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग इस पॉइंट को लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं, तो आज मैं इन्हीं बातों का जवाब देने वाली हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल इंफॉर्मेशनल वीडियोज आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी जायज शादी में हैं, वैलिड मैरिज में हैं, तो सेकंड मैरिज अगर आप कर लेते हैं तो उसके क्या रिपरकशंस हैं। और ये कंफ्यूजन तब से बहुत ज़्यादा हो गई है जब से एडल्ट्री, जो एक कानून होता था, क्रिमिनल ऑफेंस होता था, उसे ख़त्म कर दिया गया है हमारी कानूनी व्यवस्था के द्वारा। पहले दोस्तों क्या था कि अगर आप शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस होता था और उसको एक अपराध माना जाता था। उसके उसमें आईपीसी के तहत सजा का प्रावधान था और लोगों को क्रिमिनल ऑफेंस के तहत सजा होती थी, जिसको अभी रिसेंटली ख़त्म कर दिया गया है। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि अगर हम शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं या लिव इन रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं तो क्या सेकंड मैरिज करना भी जायज़ है। तो दोस्तों, ये खुशी आपकी थोड़ी कम होने वाली है क्योंकि सेकंड मैरिज करना लीगली वैलिड मैरिज होने के बावजूद अगर आप हिंदू हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है अभी भी, और इसको अभी भी हमारे आईपीसी के अंडर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इसमें हमारे जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, जैसे आईपीसी का सेक्शन 494, 495, 496 जो है, वो स्पेसिफिक प्रोविजंस देते हैं कि अगर आप एक वैलिड, लीगली वैलिड मैरिज में हैं और आप शादीशुदा जिंदगी में हैं और उसके बावजूद अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं तो 7 साल की जेल और पेनल्टी हो सकती है, भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर आपने जो दूसरी, जिससे सेकंड मैरिज की है, अगर आपने उस व्यक्ति को अपनी फर्स्ट मैरिज के बारे में नहीं बताया है, धोखे से शादी कर ली है, छुपाया गया है जानबूझ करके पिछली शादी के बारे में, तो इसमें सजा और भी बढ़ जाती है, यानी कि आपकी जो जेल टर्म है वो अप टू 10 ईयर्स हो जाती है, 10 ईयर्स रिग्रेस पर इम्प्रिजनमेंट, और साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ता है। यही 496 सेक्शन आईपीसी का कहता है कि अगर आप जानते बूझते हुए कि आपकी ये जो सेकंड मैरिज है इनवैलिड होगी, आपकी फर्स्ट मैरिज वैलिड है, तो सेकंड मैरिज की कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आप जानते बूझते हुए सारे जो हिंदू मैरिज के तहत आपको जो कर्म करने हैं, जिस तरह के आपको संस्कार करने हैं, वो आप सारे करते हैं, यानी कि आप 7 फेरे भी लेते हैं अग्नि के, आप सिंदूर लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं, इस तरह के जो आप एक्शंस लेते हैं, तो ये एक्शंस भी अंडर क्रिमिनल ऑफेंस आते हैं और आपको 7 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है और जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे क्रिमिनल प्रोविजंस, क्रिमिनल आईपीसी के तहत प्रोविजंस जिसके अंडर ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है सेकेंड मैरिज करना। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जहाँ पे आप बिना डिवोर्स लिए सेकेंड मैरिज कर सकते हैं, जिसमें से पहला प्रोविजन है कि अगर आपके स्पाउस की डेथ हो गई है, तो डेथ हो गई है तो उस केस में ऑब्वियसली आप जो है डिवोर्स ले ही नहीं सकते हैं। सेकेंड जो आपका स्पाउस है फर्स्ट मैरिज से, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए आप सेकेंड मैरिज कर सकते हैं बिना कोई और कानूनी प्रक्रिया फॉलो किए हुए। दूसरा जो प्रोविजन है कि दोस्तों, अगर आपका जो स्पाउस है वो 7 साल या उससे ज़्यादा समय से गायब है, मिल नहीं रहा, लौट के नहीं आया, आपने जो हर जायज कोशिश होती है उसे ढूंढने की वो की, किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को, किसी फ्रेंड को उसके बारे में नहीं मालूम है, आपने पुलिस कंप्लेंट भी करा दी और उससे भी वो नहीं आया है, तो 7 साल के बाद ये मान के चला जाता है कि वो लौट करके नहीं आएगा, और ऐसे में आप सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। भले ही फिल्मी स्टाइल में अगर आपका फर्स्ट स्पाउस आपकी सेकेंड मैरिज के बाद लौट भी आता है,
तो वो क्लेम नहीं कर सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज इनवैलिड है और उसे उसकी हस्बैंड या वाइफ वापस मिले। तो ये एक और प्रोविजन है सेकेंड मैरिज का। जो थर्ड प्रोविजन अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो ये है कि दोस्तों, अगर आपकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो इनिशियली ही वॉइड थी और कोर्ट द्वारा वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर की जा चुकी है, तो ऐसे में भी आप बिना किसी डिवोर्स लिए हुए सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। इसमें जो प्रावधान है कि सपोज आपकी जो शादी है कानूनी तौर पे जो एज रिक्वायर्ड है, यानी कि लड़के की एज 21 साल और लड़की की एज 18 साल, अगर आपकी शादी उससे कम एज में हुई है और मेजॉरिटी की एज अटेन करने के बाद आपकी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, आपने उसे अपना कंसेंट नहीं दिया है, तो ऐसे में आपकी जो शादी थी वो वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी और इसमें आप सेकेंड मैरिज लीगली तरीके से कर सकते हैं, वो एक कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। या फिर आपकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो इन हालात में हुई है जब आप कंसेंट देने के काबिल ही नहीं थे, मे बी आप मेंटली बीमार थे, मे बी आप इंटॉक्सिकेटेड थे, या फिर आप इस हालत में नहीं थे कि आप अपना कंसेंट दे सके, आप बेहोश थे और आपकी शादी कर दी गई। तो इस तरह की अगर आपकी शादी हुई है जिसमें आप कंसेंट वैलिड कंसेंट देने के हालत में नहीं थे, तो ऐसे में जो है आपकी सेकेंड मैरिज इलीगल नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात थी कि सेकेंड मैरिज हो सकती है या नहीं और किन हालात में हो सकती है और उसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है, क्या सजा हो सकती है अगर आप लीगली वैलिड जायज शादी के बावजूद सेकेंड मैरिज करते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपकी सेकेंड मैरिज हो गई तो आपके जो स्पाउस है सेकेंड मैरिज से, जो आपका हस्बैंड या वाइफ है, उनका लीगल स्टेटस क्या होता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूंगी कि अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्स्ट मैरिज है तो जो सेकेंड मैरिज से आपके स्पाउस हैं वो इलीगल माने जाते हैं, इलेजिटिमेट माने जाते हैं और उनका लीगली आपके ऊपर कोई भी राइट नहीं बनता है, ना ही आप पे, ना ही आपकी प्रॉपर्टी पे, ना ही आपके सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति पे, ना ही आपकी जो हिंदू फैमिली से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है उस पे, किसी भी चीज पे सेकेंड मैरिज वाले स्पाउस का, हस्बैंड या वाइफ का, आप पे या आपकी संपत्ति पे कोई भी राइट नहीं बनता है। लेकिन यही अगर बात बच्चों की करें तो कानून हमारा बहुत लीनियंट है और कानून कहता है कि दो लोगों ने अगर इलीगल मैरिज की है डजंट मीन कि बच्चे की उसमें कोई गलती है। तो बच्चा जो है कोई भी इलेजिटिमेट नहीं होता, गैर कानूनी नहीं होता, हर बच्चा कानूनी माना जाता है, लेजिटिमेट माना जाता है। यानी कि सेकेंड मैरिज से जो बच्चा है उसका हर राइट है अपने माँ या अपने पिता की प्रॉपर्टी में, उनके संपत्ति में, उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज या बिजनेसेस में उनका जो हक बनना चाहिए बच्चे के तौर पे, वो हर हक उस बच्चे को मिलता है और उसके लिए वो हकदार होता है। यानी कि सेकेंड मैरिज तो इलीगल या इलेजिटिमेट हो सकती है लेकिन सेकेंड मैरिज से पैदा हुआ बच्चा जो है वो इलेजिटिमेट या इलीगल नहीं होता। उसका हर वो राइट एक फर्स्ट मैरिज से पैदा हुए बच्चे के बराबर का होता है और उससे कोई भी पक्षपात नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सेकेंड मैरिज को लेकर के। अगर आपके कोई सवाल हो इससे जुड़े तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ बख़ैर।